गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम फलों में रंग और उसके तीखापन और उसमें जो कड़वापन पाया जाता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ये इनमें से एक क्वेश्चन है जो सुपरवाइजर और जेट और आईसीआर में फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो कोई भी क्रॉप का है या कोई भी फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल का आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो पपीते का पीला रंग होता है, पपीते का जो पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण होता है। देखिए, इसका बोटनिकल नेम होता है वो कैरी का पपाया होता है, और उसी से रिलेटेड इसका जो येलो रंग होता है पपीता का वो कैरी का जैंथिन होता है। दूसरा यहाँ देखिए, जो सेब है उसका लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और अधिकतर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें जो लाल रंग होता है वो कैरी का एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण ही पाया जाएगा। और जो अगला है टमाटर का लाल रंग, देखो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, जो लाल लाल टमाटर होते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। तीसरा है कि टमाटर का जो पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, तो टमाटर का जो पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, और जो टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है। फिर हम की मिर्च, जो मिर्च का लाल रंग है वो कैप्सिथीन के कारण होता है। मतलब देखो, कलर को हम किससे डिफाइन करते हैं, थीम से, तो इसे क्या है, कैप्सिथीन। और है जो मिर्च में जो तीखापन होता है, जो मिर्च खाते हैं तो हम ऐसे करते हैं, मतलब जो मिर्च खाते हैं तो उसमें तीखापन होता है, जो कैप्सिसिन के कारण होता है, भाई खा के और करते हैं ना, इसकी वजह से इसमें सीन आ गया, भाई इसे कंफ्यूज होने का काम नहीं है। तो भाई लाल रंग है तो कलर से रिलेटेड है, तो हम थीम से कलर को हम थीम से रिलेटेड कर देंगे, तो थीम है जो कैप्सिसिन हो गया। और हम जब इसको खाते हैं तो जो खाते हैं तो इसमें जो सी की आवाज निकलती है, इसलिए बोलते हैं इसको कैप्सिसिन। जो गाजर का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है, और गाजर का जो लाल रंग है वो एंथोसाइन के कारण होता है। मैंने जैसे आपको सेब में भी बताया था, एप्पल में बताया था, कि जो अधिकतर जो लाल रंग होता है फ्रूट्स में वो या वेजिटेबल्स में जो एंथोसाइन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग भी एंथोसाइन के ही कारण होता है, और गाजर का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। अगले तो प्याज का जो पीला रंग होता है वो क्यूरेसिटिन के कारण होता है, जो प्याज का जो पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण होता है, और जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो क्यूकर्मिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग क्यूकर्मिन के कारण होता है। देखो, हल्दी का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है क्यूरकुमिन लोंगा, उससे रिलेटेड ही क्या है, कुरकुमीन है। और जो प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, जैसे कि गाजर सेव और प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो प्याज में जो तीखापन होता है, जिसे काटते समय आंखों में आंसू आते हैं, या जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और जो तेल का जो पीलापन होता है वो कैरेटिनोइड के कारण, जो कैरेटिनाइड के कारण इसमें है, जो तेल का तीखा, मतलब जो तेल में पीलापन होता है, जो तिलहनी क्रॉप्स का जो तेल होता है वो थोड़ा पीला कलर का होता है, वो किसके कारण होता है, कैरेटिनाइड के कारण होता है। तो करेले में जो कड़वापन होता है वो मिमोडिकोसाइड के कारण होता है। जो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, भाई करेले का जो कड़वापन होता है, करेले में बहुत ज्यादा कड़वापन होता है, और जो शुगर, जिनकी शुगर की टी वगैरह होती है, शुगर की बीमारियों में इसका जूस वगैरह काम में लेते हैं, तो इसमें जो कड़वापन होता है वो मिमोडिकोसाइड के कारण होता है। जो खीरे में जो कड़वाहट होता है, वो क्यूकरबिटेसिन के कारण होता है। तो जो खीरा होता है जो क्यूकरबिटेसिन फैमिली से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें क्यूकरबिटेसिन के कारण इसमें खीरे का कड़वाहट होता है। तीसरा की मूली में तीखापन, मूली में तीखापन है जो आइसोसाइनेट के कारण या आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, इसमें आइसोथायो भी लगा सकते हैं या आइसोसाइनेट के कारण है जो मूली का तीखापन होता है। लहसुन में तीखापन होता है डाई एलाइल और डाई सल्फाइड के कारण, लहसुन में तीखापन डाई एलाइल और डाई सल्फाइड के कारण होता है, और जो प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। फिर आलू का जो हरापन होता है वो सोलेनिन के कारण होता है, आलू में जो हरापन होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। पत्ता गोभी में जो त्रिगंध आती है, पत्ता गोभी जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें त्रिगंध आती है, तो सिनीग्रीन के कारण आती है, पत्ता गोभी में त्रिगंध सिनीग्रीन के कारण आती है, और सरसों में त्रिगंध सिनीग्रीन के कारण होती है। देखिए, पत्ता गोभी और सरसों दोनों एक ही फैमिली की है, इसलिए इनमें सिनीग्रीन के कारण क्या होती है, इसमें त्रिगंध आती है। जो काली मिर्च में तीखापन होता है, जो ब्लैक पेपर में जो तीखापन होता है वो ओलियोरेजिन के कारण होता है, काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेजिन के कारण होता है। और बेल जिसे बेल पत्र बोलते हैं, उसमें तीखापन है जो मारमेलोसिन के कारण होता है, बेल में जो तीखापन होता है वो मारमेलोसिन के कारण होता है। आंवले का जो कसैलापन होता है वो टेनिन के कारण होता है। और चने में जो खटास होती है, जो चने में जो पत्तियों में जो खटास होती है, खार बोलते हैं, वो टेनिन के कारण होती है या ऑक्जेलिक एसिड के कारण होती है। जीरे का जो कड़वापन होता है वो क्यूमिनोन के कारण होता है, और जीरे का जो साइंटिफिक नेम होता है क्यूमिनोम होता है, तो इसलिए इसे
क्यूमिनोल से रिलेटेड इसका कड़वापन हो गया। जो अजवाइन में जो रसायन पाया जाता है वो थाइमोल होता है, और जो सलजम में चरपराहट पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है, और जो नीम में जो कड़वाहट होती है एजारेक्टिन के कारण होती है। और नीम को भी जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह के यूज में भी लेते हैं, और इसके जो केमिकल बनता है और नीम ऑयल है वो एजारेक्टिन का ही बना होता है। एक बार और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो पपीते का पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है, सेब का जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग है लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर का पीला रंग है बीटा कैरोटीन के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण कैप्सिसिन के कारण होता है, और मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, गाजर का जो पीला रंग है कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, और प्याज का पीला रंग प्यूरे सेटिन के कारण होता है, और प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, और तेल में जो पीलापन पाया जाता है वो कैरोटीनाइड के कारण पाया जाता है। तो करेले में कड़वापन है वो मिमोर्डिकोसाइड के कारण पाया जाता है, और खीरे में जो कड़वाहट होती है वो क्यूकरबिटासिन के कारण पाई जाती है, मूली में जो तीखापन होता है आइसोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, आलू का हरापन है जो सोलेनिन के कारण होता है, और पत्ता गोभी में त्रिवगन सिनिग्रिन के कारण होती है, सरसों में भी त्रिवगन है जो सिनिग्रिन के कारण होती है क्योंकि एक फैमिली से, काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेजिन के कारण होता है, और बेल में तीखापन मार्मेलोक्सिन के कारण होता है, आंवले का जो कसैलापन होता है टेनिन के कारण होता है, चने में जो खटास होती है वो टेनिन और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होती है, अजवाइन में जो रसायन होता है थाइमोल पाया जाता है, और सलजम में जो चरपराहट होती है उसका कारण कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है, और नीम में जो कड़वाहट होती है एजारेक्टिन के कारण होती है। थैंक यू माय डियर, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।